हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल सारडा करियर पॉइंट में। बच्चों, जैसे कि आपने इसके पहले वाला वीडियो अगर देखा होगा तो हम लोगों ने एवरेज का जो पार्ट वन लिया था प्रीवियस सेशन में, प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा तो हम लोगों ने जितने भी अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं उसको सॉल्व करने के, मैंने सिर्फ आपको चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया था। जितने भी अलग अलग टाइप के एवरेज के टॉपिक पे क्वेश्चन बनते हैं और सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने सिर्फ बेसिक चार गोल्डन रूल्स आपको डिस्कस करवाए थे। आज के इस सेशन में हम लोग उसी के आगे बढ़ते हुए उसी चार पॉइंट के ऊपर, उसी चार लॉजिक्स के ऊपर कुछ अलग अलग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। याद से सेशन पूरा ऑब्जर्व करना दोस्तों। पिछले सेशन में जो भी चार पॉइंट्स मैंने आपको दिए थे उसके एप्लीकेशंस कैसे बनते हैं, उसको हमने किस तरीके से यूज करना चाहिए, वो सारे पॉइंट्स यूज करके अपन ने क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, इससे रिलेटेड सारा डिस्कशन आज के इस वीडियो में अपन शेयर देखने वाले हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना दोस्तों। तो बने रहिए, देखिए अपना अगला जो पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर वन आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। पॉइंट नंबर वन, फर्स्ट क्वेश्चन देखो आपको क्या दिया हुआ है। द एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम द डेट 10 टू 16। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर एवरेज टेम्परेचर की बात हो रही है। अपने टेम्परेचर वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, ध्यान से देखना। द एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम द डेट 10 टू 16, डेट क्या दी आपको 10 टू 16, in which both 10 and 16 are included is 33 degree celsius बता रहा है, ठीक है, okay, आ गया। And from the date 11 to 17, in which both 11 and 17 are included, the average temperature is 35 degree celsius. If the temperature on 10th is 40 degree celsius, what is the temperature on 17th? आपका ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। बच्चों ध्यान से देखना, अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो आपको याद होगा तो मैंने एक रिप्लेसमेंट वाला पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर लिया था। उसी रिप्लेसमेंट वाले पॉइंट को अगर आपने सही तरीके से यूज किया तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। ध्यान से देखना दोस्तों, जो क्वेश्चन दिया हुआ उसमें सबसे पहले जो डेट दिया था जिसमें बोला था अपने को 10 टू 16, यहाँ का जो एवरेज दिया हुआ है वो दिया हुआ 33 डिग्री। एंड फ्रॉम द डेट 11 to 17th, यहाँ का दिया हुआ है 35 डिग्री। मीन्स एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम 10 टू 16 इज 33 डिग्री सेल्सियस एंड फ्रॉम द डेट 11 टू 17 इज 35 डिग्री। बच्चों ध्यान से देखो क्वेश्चन में चेंज कहाँ पर हुआ है। आपको अगर एक टेम्परेचर वाला क्वेश्चन याद होगा तो मंडे गया, थर्सडे आया, इस टाइप से हम लोगों ने कुछ किया था। एबीसी तीन लोग है, ए गया और हम लोगों ने एक नया पर्सन ऐड किया, ऐसा कुछ तो भी डिस्कशन हम लोगों ने किया हुआ है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ऊपर है 10 टू 16, नीचे दिया हुआ 11 टू 17, तो डिफरेंस कहां पर हुआ। 10th 10 तारीख निकल गई एंड सेकंड में 17th ऐड हो गई। यस, ध्यान से देखो, मैं आगे लिखता हूँ, अच्छा चेक कर लीजिए। देखो यहां लिखता हूँ, ध्यान से देखना। 10, 11, 12 up to 16 था एंड सेकंड केस बना हुआ आपका 11, 12, 13, 16 एंड 17। दोस्तों ध्यान से देखो, दोनों भी केसेस में अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो 11 to 16, ये डेट्स दोनों में कॉमन है। 11 to 16 ये डेट्स दोनों में कॉमन है, तो रिप्लेसमेंट किसका हुआ। इंस्टेड ऑफ 10 नीचे कौन आया, 17। इंस्टेड ऑफ 10 नीचे कौन आया, 17। मींस ग्रुप में से एक डेट 10 निकल गई एंड 17 ऐड हो गई। इट मीन्स अगर अपने ग्रुप में से एक पर्सन निकल जाता है और दूसरा अगर फिर से ऐड होता है तो क्वांटिटी एज इट इज रहेगी, नंबर ऑफ क्वांटिटी आपकी चेंज होने वाली नहीं है। जो टोटल डेट्स है, जो 8 दिन की कहानी दी हुई है, 10 टू 16 इन विच बोथ आर इंक्लूडेड, ऐसा आपको बोला था, 7 डेज का कंसेप्ट दिया हुआ है। ये 7 डेज का क्वेश्चन था आपका, तो ऊपर वाली केस में या नीचे वाली केस में, दैट इज 10 टू 16 ले लीजिए, अदरवाइज 11 टू 17 ले लीजिए, 7 डेज का ही क्वेश्चन बना हुआ है। एंड व्हेन Instead of 10, 17th मैंने ऐड किया था, तो एवरेज इंक्रीज बाय 2 बता रहा है। एवरेज इंक्रीज बाय 2, बिकॉज इनिशियली एवरेज था आपका 33, नाउ एवरेज बिकम्स 35। 33 एवरेज था जो 35 हो चुका। दोस्तों मेरे को बताइए, जितना टेम्परेचर 10th का था अगर उतना ही टेम्परेचर 17th का होता, जितना टेम्परेचर 10th का है उतना ही टेम्परेचर का 17th का होता, तो आपका एवरेज चेंज होता क्या, नहीं होता, क्योंकि जितनी वैल्यू गई उतनी ही वापस आई, तो एवरेज चेंज नहीं होता। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है एवरेज
इंस्टेड ऑफ 33, 33 को लेकर एवरेज क्या बन गया 35, सो एवरेज इंक्रीज बाय 2, एवरेज इंक्रीज बाय 2, इसका मतलब ग्रुप में समथिंग एक्स्ट्रा वैल्यू आई हुई है। यस, कितना? तो सिंपल लैंग्वेज में 7 डेज का एवरेज 2 से इंक्रीज हुआ, इसका मतलब 7 × 2 = 14 वहां पर एक्स्ट्रा आ गए, कितने एक्स्ट्रा आए 14, यानी 14 एक्स्ट्रा लाएगा कौन 17th, सो इंस्टेड ऑफ 10 जब 17th आएगा एट दैट टाइम जितनी वैल्यू 10 की थी वो तो एज इट इज रहेगी। तो 10th का टेम्परेचर कितना है आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, टेम्परेचर ऑन 10th इज 40 डिग्री सेल्सियस, सबसे लास्ट में लिखा हुआ था, यानी जब 17th आएगा वो 40 + 14 असर टोटल 54 डिग्री लेकर आना चाहिए, तो आपका एवरेज बनेगा बिकॉज 10 का टेम्परेचर था 40। अगर 10 का टेम्परेचर 40 है और 17 का भी 40 होता तो 10 को निकाल दिया, 17 ऐड कर दिया, एक गया दूसरा आया, नंबर ऑफ क्वांटिटी चेंज नहीं हुई है, एंड जितनी वैल्यू 10 की थी उतनी ही 17 की होती, तो एवरेज भी चेंज नहीं होता। इन क्वेश्चन ने क्या बोला है, एवरेज इंक्रीज बाय 2, एवरेज जब 2 से बढ़ा हुआ है इसका मतलब पर डे 2 एक्स्ट्रा आ गए, 7 डेज का डिस्कशन था तो 7 × 2 = 14 ग्रुप में एक्स्ट्रा आने वाले हैं, तो जो 17 का टेम्परेचर रहेगा वो रहेगा टेम्परेचर ऑफ 10th + 14 विच इज इक्वल टू 54, ये रहेगा आपके क्वेश्चन का आंसर। क्लियर? यस। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे देखिए, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 48 मल्टीपल्स ऑफ 12। क्वेश्चन इज एवरेज ऑफ फर्स्ट 48 मल्टीपल्स ऑफ 12, मल्टीपल्स ऑफ 12, देखिए 12 का फर्स्ट मल्टीपल आएगा 12, सेकंड मल्टीपल आएगा 24, थर्ड मल्टीपल आएगा 36 एंड सो ऑन अप टू लास्ट मल्टीपल, कौन सा? तो लास्ट मल्टीपल आएगा 12 × 48 बिकॉज आपको 48 मल्टीपल लेना है ना, सो 12 का 1 टाइम, 12 का 2 टाइम, 12 का 3 टाइम, 12 का 4 टाइम्स, नाउ सबसे लास्ट में आएगा 12 × 48। नाउ 12 × 48 कितना होता है दोस्तों, ध्यान से देखो, 12 × 48 अगर आपको मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, आपको याद होगा इससे पहले एक सेशन मैंने लिया था जिसके अंदर आपको ऐसे एक डिस्कशन करवाया था कि व्हेनेवर जब भी किसी दो नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो आउट ऑफ टू नंबर अगर किसी एक का हाफ और दूसरे का डबल, एक का हाफ एंड दूसरे का डबल हम लोग कर लेते हैं तो मल्टीप्लीकेशन का आंसर आपका चेंज नहीं होता, ऐसा समथिंग एक पॉइंट मैंने डिस्कस करवाया था, उसी को आप यहाँ यूज कर लीजिए। ध्यान से देखो क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा, 12 का डबल होता है 24, 48 का हाफ होता है 24, सो 24 × 24, 24 का स्क्वायर दैट इज 576, सो 12 का 48 वाला सबसे लास्ट वाला मल्टीपल आएगा 576। नाउ आपको चाहिए था इसका एवरेज, अब दोस्तों इसका एवरेज अगर निकालना है तो याद करो मैंने आपको बोला था इससे पहले वाले सेशन में थीम नंबर 1 ही हम लोगों ने जो डिस्कस किया था कि इफ आपको जो नंबर का एवरेज फाइंड आउट करना है अगर वो नंबर के बीच का डिफरेंस इक्वल होता है, नंबर के बीच का डिफरेंस इक्वल जो कि यहाँ पर 12 12 12 डिफरेंस ही बनता है, एंड अगर नंबर के बीच का डिफरेंस इक्वल बनता है तो आंसर फाइंड आउट करने के लिए सिंपली फर्स्ट एंड लास्ट इन दोनों की हाफ का टोटल या टोटल का हाफ कर लीजिए, ऐसा आपने डिस्कशन किया हुआ है। सो सिंपल कंसेप्ट था, 12 का हाफ होता है 6 एंड 576, इसका हाफ बनेगा 288, तो आपका एवरेज और आंसर बन जाएगा 6 + 8, 14 का 4 कैरी 1 इन 9 ये 2, सो आंसर बिकम 294। क्लियर? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए क्या दिया हुआ है। नाउ ध्यान से देखो दोस्तों, द एवरेज वेट ऑफ 35 स्टूडेंट इन द क्लास इज 55 केजी, हाउ मच, कितने स्टूडेंट्स थे क्लास में, 35 स्टूडेंट्स का एवरेज 55 केजी दिया हुआ है दोस्तों, लोग थे 35 स्टूडेंट्स का एवरेज 55 दिया हुआ है। आगे थ्री न्यू स्टूडेंट्स ईच ऑफ हुम वेट 60, 78 एंड 65 वर एडमिटेड इन द क्लास, तीन लोग आपने ऐड कर दिया, फाइंड द न्यू एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट्स। बच्चों आपको याद होगा तो वो टीचर वाला एक क्वेश्चन हम लोगों ने पार्ट वन में डिस्कस किया था, एक थीम मनी दिया था कि अगर कोई एक पर्सन ऐड होता है, याद है, सेम कंसेप्ट इन दैट केस, वहां पर एक पर्सन ऐड किया था इंस्टेड ऑफ वन, यहां पर मैंने तीन लोग ऐड कर दिया। आप एक काम कर लीजिए, आपको अगर स्टोरी वाला कंसेप्ट याद होगा तो प्रीवियस वीडियो में पार्ट वन में हम लोग ने डिस्कस किया था, जितना ग्रुप का एवरेज होता है, जितना ग्रुप का
एवरेज होता है, उतनी ही वैल्यू वाला अगर कोई कैंडिडेट और पर्सन ऐड होता है या ग्रुप में से निकल जाता है तो एवरेज पर कुछ इफेक्ट नहीं होता है। याद है वही सेम कंसेप्ट हम लोग यहाँ अप्लाई कर लेते हैं। ये जो तीन नए लोग आए थे विथ 60, 78 एंड 65 रुपीज और वेट है तो केजी बोलना पड़ेगा, हम लोग एक काम कर लेते हैं इसमें से, एट प्रेजेंट केस में इनिशियली क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे 35 एंड वो 35 स्टूडेंट्स का एवरेज कितना दिया हुआ 55। सो आप एक काम कर लीजिए, जो तीन नए लोग आने वाले हैं इनको भी 55 55 55 एज्यूम कर लीजिए एंड एक्स्ट्रा वैल्यू साइड में निकाल लीजिए। देखो दोस्तों कितने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट पर्सन, इसके पास मैंने 55 रखा तो एक्स्ट्रा वैल्यू निकलेगा 5। सेकंड पर्सन जो कि 78 लेकर आया था, इसके पास एक्स्ट्रा निकलेगा 23। थर्ड पर्सन जो कि 65 लेकर आया हुआ है, इसके पास एक्स्ट्रा निकलेगा 10। क्लियर? नाउ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए आपके 35 इनिशियल थे, तीन लोग नए आ गए, टोटल स्टूडेंट्स 38 एंड एक्स्ट्रा वैल्यू साइड में भी अगर आपने देखा 5 प्लस 23 प्लस 10 मिलाकर 38 ही बनता है। सो 38 स्टूडेंट्स है और 38 केजी वेट साइड में निकला हुआ है और ये जो एक्स्ट्रा वैल्यू साइड में निकलता है ये हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आपको अगर याद होगा तो पार्ट वन में वो 39 क्वेश्चन वाला एक क्वेश्चन सॉल्व, 39 स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, मैं 500 रुपीज लेकर आया था, सबके पास 100 रुपीज थे तो मैंने 400 साइड में रखा था और एट द एंड हम लोगों ने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया था। वही लॉजिक आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो, आपके पास 38 केजी वेट एक्स्ट्रा है और आप 38 स्टूडेंट्स हो, यानी बैलेंसिंग करने के बाद सबको 55 55 55 इक्वल करने के बाद एडिशनल अमाउंट पीछे से क्या मिलने वाली है। सो 38 रुपीज साइड में निकले हुए है, 38 स्टूडेंट्स है तो पर हेड क्या मिलेगा 1 केजी, इट मींस एवरेज इंक्रीज बाय 1 होने वाला है। सो आपका जो आंसर रहेगा, जो न्यू एवरेज आएगा वो आएगा 55 प्लस 1 इज इक्वल टू 56 केजी। सो जो क्वेश्चन ने पूछा था फाइंड द न्यू एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट्स, फाइंड द न्यू एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट जो पूछा था वो कितना बन जाएगा 56। क्लियर? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द एवरेज वेट ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास इज 53 केजी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 40, एवरेज इज 53 केजी, 40 स्टूडेंट 53 केजी इज द एवरेज, ये आपको दिया हुआ फर्स्ट सेंटेंस है। When the weight of teacher is added, the average becomes 44. Weight of teacher is added. Now, plus 1 करते तो teacher आ गया candidate. And the average becomes 54 kg. At the end, question क्या पूछा? Find the weight of teacher. Weight of teacher. बच्चों, weight of teacher आपको find out करना है. Simple concept था, देखो. Because of teacher. आपको याद है, part 1 बताया था. जिसकी वजह से किस पर क्या इफेक्ट हो रहा है इसके ऊपर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन 5 सेकंड में सॉल्व हो जाता है, आप उसी को अप्लाई कर लीजिए। इनिशियली कितने लोग थे 40 और वो 40 लोगों का जो एवरेज 53 था वो 54 हो चुका, एंड एवरेज इंक्रीज बाय 1, एवरेज इंक्रीज बाय 1, एवरेज इंक्रीज बाय 1, एवरेज एक से बढ़ा कितने लोगों का बढ़ा, तो इनिशियली 40 लोग थे, इसका मतलब 40 लोगों का एवरेज अगर एक से बढ़ रहा है इसका मतलब पर पर्सन 1111 एक्स्ट्रा मिल रहा है। इट मीन जो टीचर आया उसने डिस्ट्रीब्यूशन कितना किया, तो 40 स्टूडेंट पर हेड 1-1 देना है तो 40 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ये डिस्ट्रीब्यूशन के बाद सबकी वैल्यू हो जाती है इक्वल बैलेंस, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन के बाद उस स्टूडेंट का वैल्यू एंड टीचर का वैल्यू क्या होने वाला है इक्वल, क्या होने वाला है इक्वल। इट मींस एट प्रेजेंट केस में जितना वैल्यू स्टूडेंट्स के पास रहेगा उतना ही टीचर के पास रहेगा, तो इनिशियली स्टूडेंट के पास था 53, अब हो जाएगा 54 क्योंकि टीचर ने 1 केजी प्लस दिया उनको। सो आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन हर स्टूडेंट के पास वेट हो जाएगा 54 केजी, तो टीचर के पास भी बैलेंस बचेगा 54 केजी। सो टीचर ने डिस्ट्रीब्यूट किया था 40 और लाया था बचाया 54, इट मींस उसका जो टोटल वैल्यू है वो हो जाएगा 94 केजी। सो आपको जो क्वेश्चन पूछा था फाइंड द वेट ऑफ टीचर, वेट ऑफ टीचर, सो वेट ऑफ टीचर इट बिकम्स 94, तो आपको जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर क्या बनेगा आपका 94। सिंपल? यस। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आइए।
क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से देखना, थोड़ा सा चेंज है। एवरेज मार्क्स ऑब्टेन इन 7 सब्जेक्ट बाय शरद इज 68, हाउ मच? 7 सब्जेक्ट इज 68, 7 सब्जेक्ट में उसको 68 मार्क्स मिल गए, ठीक है। इफ एवरेज मार्क्स ऑब्टेन इन 6 सब्जेक्ट एक्सेप्ट हिस्ट्री इज 70, 6 सब्जेक्ट एक्सेप्ट हिस्ट्री इज 70, हाउ मेनी मार्क्स डिड ही रिसीव इन हिस्ट्री, ऐसा आपको पूछा हुआ है। बच्चों क्वेश्चन ध्यान से देखना, इसके पहले जो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था उसमें टीचर ग्रुप में ऐड होता था, इन दिस केस 7 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट मैंने निकाल दिया, 7 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट मैंने निकाल दिया, और सब्जेक्ट वहां से निकालने के वजह से, एक सब्जेक्ट कम करने के वजह से रिमेनिंग सब्जेक्ट के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ है, तो रिमेनिंग सब्जेक्ट का जो एवरेज 68 था इट बिकम 70, सो एवरेज इंक्रीज बाय 2, एवरेज इंक्रीज बाय 2। देखिए दोस्तों मैं 7 सब्जेक्ट रख देता हूं ए बी सी डी ऐसे अलग अलग, एंड हर एक का वैल्यू 68 68 68 68 60, उसमें से एक सब्जेक्ट हूं माय हिस्ट्री, तो मेरा वैल्यू एट प्रेजेंट केस में 68 है, मेरा वैल्यू कितना है 68 है, और रिमेनिंग 6 सब्जेक्ट का वैल्यू भी एवरेज में 68 ही रहेगा। सोचिए मैं अगर 68 लेकर बाहर निकल जाऊं तो रिमेनिंग सब्जेक्ट पर कुछ इफेक्ट होगा क्या, नहीं, बिकॉज एवरेज का मतलब ऑलरेडी सब सब्जेक्ट इक्वल है। एट प्रेजेंट केस में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो एवरेज दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो एवरेज दिया हुआ है वो कितना है 68 है, एवरेज कितना 68 है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर एवरेज 68 है इसका मतलब एट प्रेजेंट केस में सबका वैल्यू 68 68 68 दिया हुआ है। अब अगर मैं ग्रुप में से एज अ हिस्ट्री के 68 निकाल दूं तो बचे हुए सब 68 रहने वाले, कोई चेंजेस हुआ क्या, नहीं। लेकिन क्वेश्चन बोलता है अगर हिस्ट्री को साइड में निकाल दिया, हिस्ट्री को वहां से निकाल दिया, एक्सेप्ट हिस्ट्री वर्ड यूज किया हुआ, तो हिस्ट्री अगर मैं रिमूव कर दूं, हिस्ट्री निकाल दूं, तो रिमेनिंग सब्जेक्ट एवरेज 70 हो रहा है, सो एवरेज इंक्रीज बाय 2, एवरेज इंक्रीज बाय 2, 2 से एवरेज बढ़ रहा है कितने सब्जेक्ट का 6, तो 6 इंटू 2 12 से सम बढ़ जाएगा 6 लोगों का, और ये जो 12 से सम बढ़ने वाला है ये किस कहां से आएगा, तो जब हिस्ट्री जाएगा, हिस्ट्री अगर 68 लेकर निकला तो इन लोगों पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, बट अगर इनका वैल्यू 12 से बढ़ रहा है यानी बाहर 12 कम जा रहा है, तो जो हिस्ट्री का वैल्यू रहेगा दैट हिस्ट्री इज इक्वल टू 68 माइनस 12 इज इक्वल टू 56, ये आ गया आपका आंसर, आप ऐसा सॉल्व कर सकते हो। एक क्लियर, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 26 वर्कर्स इज 800, 26 वर्कर्स, 26 लोग काम करते हैं जिनका सैलरी है 800, 26 वर्कर्स जिनकी सैलरी कितनी है 800 रुपीज, ऐसा आपने को दिया हुआ है, ठीक है। आ गया, इफ द सैलरी ऑफ मैनेजर इज ऑल्सो इंक्लूडेड, सैलरी ऑफ मैनेजर प्लस 1, सेम एज टीचर, जब टीचर ग्रुप में आया था वही कंसेप्ट है, स्टूडेंट था इसलिए टीचर बोल दिया था, यहाँ पर वर्कर्स के साथ मैनेजर आ रहा है, सेम टू सेम, सिर्फ वर्ड्स चेंज किए हुए फ्रेंड्स, सिर्फ वर्ड्स चेंज है, कोई चेंजेस नहीं। क्वेश्चन ध्यान से देखना, 5-5 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, ध्यान से देखो। बिकॉज ऑफ मैनेजर, इफ द सैलरी ऑफ मैनेजर इज इंक्लूडेड द एवरेज मंथली सैलरी इंक्रीज बाय रुपीज 50, नाउ एवरेज इंक्रीज बाय 50 इट मीन्स एवरेज बिकम्स 850, यस, ओके। क्वेश्चन इज व्हाट इज द मंथली सैलरी ऑफ मैनेजर, तो सिंपल सिंपल लैंग्वेज में किसके वजह से किस पर क्या इफेक्ट हुआ, तो बिकॉज ऑफ मैनेजर, बिकॉज ऑफ मैनेजर सारे के सारे वर्कर्स की सैलरी 50-50 रुपीज से बढ़ गई, इसका मतलब सिंपल सिंपल लैंग्वेज में वो मैनेजर ने सारे वर्कर्स को पर हेड 50-50 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट किया। सो पॉइंट नंबर 1, डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कितनी की, तो 26 वर्कर्स थे दोस्तों, हर एक को 50 रुपए के हिसाब से 1300 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, यस, कितना डिस्ट्रीब्यूट किया 1300, 26 इंटू 50, हाफ एंड डबल लगा लो, 26 का हाफ 1300 इट बिकम्स 1300, 1300, सो ये होगा 1300 रुपीज डिस्ट्रीब्यूशन, एंड आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन वर्कर्स का वैल्यू एंड मैनेजर का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम, क्या होगा, सेम। इसका मतलब
मैनेजर ने 1300 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उसके पास जो बैलेंस बचेगा वो रहेगा इक्वल टू नी एवरेज, दैट इज 850. इट मीन्स मैनेजर ने 850 रुपीज बैलेंस बचाया एंड 1300 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट किया. सो मैनेजर ने टोटल पैसा लाया कितना था, तो 1300 और 850. 1300 और 850 टोटल कर लो, ये आएगा 2150. सो जो आपको पूछा था सैलरी ऑफ मैनेजर, तो आंसर आएगा 2150. समझ में आ रहा है ना? यस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए क्या दिया भाई. द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल वर्कर्स इन वर्कशॉप इज ₹900,000. ऑल वर्कर्स, वर्ड क्या लिखा हुआ है, ऑल द वर्कर्स इज ₹9,000. इट मीन्स एक वर्कशॉप में जितने लोग हैं, कितने हैं पता नहीं है, जितने भी हो गए वो सारे के सारे वर्कर्स का जो एवरेज है वो कितना बना हुआ है, 9,000. ओके. नेक्स्ट, द एवरेज सैलरी ऑफ 12 टेक्नीशियन इज ₹12,000. उसमें से 12 टेक्नीशियन ऐसे 12 टेक्नीशियन है जिनकी सैलरी कितनी है, 12,000. एंड एवरेज सैलरी ऑफ द रेस्ट इज 8,000. एंड जो रिमेनिंग वर्कर्स है, जो बचे हुए वर्कर्स है, उनकी एवरेज सैलरी कितनी है, 8,000. द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन द वर्कशॉप इज, बहुत आसान सा केस है. हम लोगों ने जो थीम डिस्कस किया था उसमें से थीम नंबर 3, दो ग्रुप वाला पॉइंट मैंने आपको डिस्कस करवाया था, बॉयज एंड गर्ल्स. एक कॉमन वर्ड यूज किया था स्टूडेंट्स, बॉयज गर्ल्स कंबाइन में स्टूडेंट. इन द सेम वे यहां पर क्या होगा, सो टेक्नीशियन रिमेनिंग, टेक्नीशियन रिमेनिंग एंड दोनों को कंबाइन कर लो तो ऑल वर्कर्स, टेक्नीशियन रिमेनिंग कंबाइन कर लो तो ऑल वर्कर्स, दो ग्रुप मर्ज किए हुए हैं. एकदम आसान सा काम है दोस्तों, ध्यान से देखो. टेक्नीशियन लोग कितने थे, टेक्नीशियन लोग कितने थे, 12 टेक्नीशियन. ये टेक्नीशियन लोगों की सैलरी क्वेश्चन बता रहा है 12,000 रुपीज. नॉन टेक्नीशियन रिमेनिंग वर्कर्स आपको पता नहीं है, मैं अज्यूम कर लेता हूं एक्स, इनकी सैलरी क्वेश्चन बता रहा है 8,000 रुपीज. एंड कंबाइन एवरेज ऑफ ऑल वर्कर्स, एवरेज ऑफ ऑल वर्कर्स 9,000. यस. अब मैंने आपको बोला था कॉमन डिफरेंस वाला कंसेप्ट है, तो यहां पर फ्रेंड्स ध्यान से ऑब्जर्व करना, 12,000 एंड 9,000 इन दोनों का डिफरेंस बनेगा 3,000, 8,000 एंड 9,000 का डिफरेंस बनेगा 1,000. तो यहां पर ये 0,0 अगर मैं कैंसिल कर दूं तो रेशियो बन जाएगा 1:3. इट मींस वहां पर जो स्टाफ है, जो वर्कर्स है और जो टेक्नीशियन है, इन बिटवीन रेशियो बनेगा 1:3 का. मीन्स अगर एक टेक्नीशियन है, एक टेक्नीशियन है तो रिमेनिंग में कितने आएंगे, 3. टेक्नीशियन लोग आपके पास दिए हुए है 12. अब अगर 1 का वैल्यू 12 है, 1 का वैल्यू 12, तो 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 का 12 टाइम्स हुआ है तो 3 का 12 टाइम्स कर लीजिए, विच इज इक्वल टू 36. सो जो रिमेनिंग वर्कर्स थे वो निकलेंगे 36. एंड एट द एंड क्वेश्चन ने क्या पूछा था, द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स. सो अगर आपको टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स फाइंड आउट करना है दोस्तों, तो टोटल वर्कर्स के लिए आप क्या करोगे, इक्वल टू टेक्नीशियन लोग थे आपके पास 12 एंड रिमेनिंग वर्कर्स निकले आपके पास 36, दोनों मिलाकर हो जाएगा 48. ये रहेगा आपके क्वेश्चन का आंसर. यस, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है. मैं विदाउट राइटिंग आपके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, देख लीजिए सिर्फ वो इफेक्ट किस तरीके से होता है ये आपको पता होना चाहिए. ऑब्जर्वेशन अगर आपका सही है तो एक चीज और हो सकती है. अब ध्यान से ऑब्जर्व करो मैं क्या कर रहा हूं. क्वेश्चन बता रहा है कि वहां पर टेक्नीशियन लोग थे 12. टेक्नीशियन लोग कितने थे, 12. एंड टेक्नीशियन लोगों का जो एवरेज सैलरी था वो था 12,000. टेक्नीशियन लोगों का एवरेज सैलरी कितना था, 12,000. बट जब वो कंबाइन एवरेज फाइंड आउट किया था वो बना था 9,000. इट मींस पर टेक्नीशियन 3,000 रुपीज एक्स्ट्रा है, पर टेक्नीशियन 3,000 रुपीज एक्स्ट्रा है. तो जो एक्स्ट्रा वैल्यू रहेगी वो साइड में निकलेगी, ऐसा हम लोग कर रहे थे इसके पहले, हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है. सो मैं पर पर्सन पर टेक्नीशियन 3,000 रुपीज अगर मैं साइड में निकाल दू तो मेरे पास टेक्नीशियन लोग है
पर हेड 3000, सो 12 × 3 36,000 रुपीज साइड में निकलेगा एक, एंड ओरली ओरली 36 साइड में निकलेगा। एंड जब रिमेनिंग वर्कर्स आते हैं तो रिमेनिंग वर्कर्स का एवरेज सैलरी 8,000 रुपीज है, बट कंबाइन 9,000 चाहिए, उनके पास 8,000 है चाहिए 9,000, तो वहां 1,000 का शॉर्टेज है। तो देखो दोस्तों, जब एक्स्ट्रा वैल्यू होती है तो हम लोग लेते हैं, एक्स्ट्रा रहा तो हम लोग लेते हैं साइड में निकालते हैं, बट जब वैल्यू कम रहेगी तो आपको उसको देना पड़ेगा, वैल्यू कम रहेगी तो देना पड़ेगा। तो यहां पर रिमेनिंग वर्कर्स के पास शॉर्टेज कितना है, कितनी वैल्यू कम है, तो कंबाइन रिक्वायरमेंट थी, कंबाइन एवरेज था 9,000 का, उनके पास 8,000, तो शॉर्टेज कितने का बना, 1,000 का। शॉर्टेज कितने का बना, 1,000। सो आपने साइड में कितना अमाउंट निकाला था, 36,000। सो वो 36,000 रुपीज आप रिमेनिंग वर्कर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, आपको बैलेंसिंग करना है तो एक्स्ट्रा वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो 36,000 अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, पर पर्सन 1,000 दोगे तो 36 कैंडिडेट्स को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। इसका मतलब ये बनता है कि ये 12 टेक्नीशियन साथ में 36 नॉन टेक्नीशियन, 36 रिमेनिंग वर्कर्स के एडजस्टमेंट कर सकते हैं, तो टोटल वर्कर्स हो जाएंगे 12, और वो 36 के एडजस्टमेंट 12 प्लस 36 बोथ कंबाइन कर लो, दोनों मिलाकर 48। सो जो क्वेश्चन का आंसर पूछा गया था, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, वो बनेगा 48। क्लियर? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। द एवरेज ऑफ 14 रिजल्ट, एवरेज ऑफ 14 रिजल्ट इज 29, 14 रिजल्ट इज 29, ऐसा अपने को दिया हुआ है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 इज 24, फर्स्ट 6 इज 24, एंड दैट ऑफ नेक्स्ट 7 इज 32, व्हाट इज द लास्ट रिजल्ट, ऐसा आपका क्वेश्चन है। बच्चों इसको सॉल्व करना है, आपके पास दो अलग अलग ऑप्शन है, एक जिसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, राइटिंग वर्क करना पड़ेगा, तो उसको मैं स्किप कर देता हूँ, करना है तो आप ऐसा कर सकते हो, एकदम सिंपल वर्किंग है। एक्चुअली देखो दोस्तों, एवरेज होता क्या है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ द गिवन क्वांटिटीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज होती है। हम लोगों ने फॉर्मूला डिस्कस नहीं किया था क्योंकि जनरली यूज आता नहीं है। एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन क्वांटिटी, अगर ये क्वांटिटी में लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दू तो ये फॉर्मूला बन जाएगा एवरेज इंटू क्वांटिटी इज इक्वल टू सम, एवरेज इंटू क्वांटिटी इज इक्वल टू सम। इसको आप अप्लाई कीजिए, ध्यान से देखना, जो 14 स्टूडेंट्स थे इनका सम बनता है 14 × 29 इक्वल टू 406, 14 × 42 420 में से 14 माइनस कर दीजिए 406। अब आउट ऑफ 14 फर्स्ट 6 कैंडिडेट्स का एवरेज है 24 एंड नेक्स्ट 7 का है 32, तो 6 स्टूडेंट्स एवरेज 24, तो 6 × 24 = 144 बनता है। एंड नेक्स्ट 7 अगले 7 लोगों का एवरेज है 32, सो 32 × 7, तो 30 × 7 कर लो, 7 × 3 = 21, 210 210 आएगा, एंड ऊपर के 2 7 × 14 अलग से ऐड कर लो, 210 एंड 14 224 सम बनेगा 368। नाउ ये जो 406 लिखा था ये कितने लोगों का सम था, 14, 368 कितने लोगों का सम है, 13, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा 38 का, ये कौन बनेगा आपका लास्ट रिजल्ट, ऐसा आप वर्किंग कर सकते हो, लेकिन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, ओरली सॉल्व करना है, एवरेज का मतलब होता है बैलेंसिंग करना है। देख एक छोटी सी स्टोरी बनाता हूं, ध्यान से देखना, ओरल आंसर बन जाएगा। बच्चों आप हर एक ने ऐसा ऑब्जर्व करना, मैंने आपको एक टास्क दिया, एकदम सिंपल से टास्क दे रहा हूं, आपको एक छोटा सा काम दे रहा हूं, मैंने आपको बोला कि आपके पास 14 कैंडिडेट्स आएंगे, 14 लोग आएंगे, और पर पर्सन आपको उनको 29 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट करना है अकॉर्डिंगली, 14 × 29 406 रुपए मैंने आपको दे दिया, 406 रुपीज आपके पास में आ गए, रुपीज ले लीजिए, चॉकलेट ले लीजिए, और आपको 406 रुपीज या चॉकलेट्स वो 14 कैंडिडेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस तरीके से, तो पर पर्सन 29 देना है। ये मैंने आपको एक टास्क दिया,
नाउ आपने क्या किया, आपने क्या किया, जब वो कैंडिडेट्स वहां पर आए, जब वो कैंडिडेट्स वहां पर आए, आपने क्या किया, पहले 6 लोगों को, स्टार्टिंग के 6 लोगों को 24 24 ही दिया। कितना दिया पहले 6 लोगों को आपने? 24। एक्चुअली देना कितना था, मैंने जो टास्क दिया था, मैंने आपको 29 देने के लिए बोला था, आपने 24 दिया, तो आपने कितना कम दिया? 5 पर पर्सन। ऐसे कितने लोग हैं? 6। तो 6 × 5, 6 × 5, ऐसा 30 रुपीज आपके पास बच गए, प्लस में हो आप, 30 रुपीज एक्स्ट्रा बच गए आपके पास। नेक्स्ट टाइम आपने क्या किया, अगले 7 लोग, ये 6 के बाद और 7 लोग आ गए, जिनको देना था 29, देना था 29, आपने दे दिया 32। देना था 29, आपने दिया 32। सो हुआ क्या, इफेक्ट क्या हुआ? तो जहां 29 देना था, 32 दिया, इसका मतलब एक्स्ट्रा चला गया ना। ओके, कितना एक्स्ट्रा? तो 3 पर पर्सन, 3 रुपीज पर पर्सन आप एक्स्ट्रा दे रहे हो। अब अगर 3 रुपीज पर पर्सन आप एक्स्ट्रा दे रहे हो, 7 लोग हैं, तो 7 × 3 हो जाएगा, 21 एक्स्ट्रा चला गया। क्लियर? अब आपके पास अभी तक 6 + 7 13 लोग आ गए, एंड ये 13 लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद आपके पास 9 रुपीज अभी भी बैलेंस बचा हुआ है एक्स्ट्रा। सो फ्रेंड्स मेरे को बताइए, जो लास्ट पर्सन, 14th वाला जो लास्ट पर्सन आपके पास आएगा, जो लास्ट पर्सन आपके पास आएगा, उसको उसका जो शेयर था, उसके हिस्से के, उसका जो शेयर 29 था, वो तो उसको देना ही है। एंड ये 13 लोगों में जो एडजस्टमेंट हुई है, वेदर प्लस और माइनस जो भी इफेक्ट रहेगा, वो इफेक्ट उसी के ऊपर देना है। तो ये 13 लोगों को अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, ये 13 लोगों को अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो भी इंपैक्ट वहां पर रहेगा, वेदर प्लस और माइनस, एक्सेस भी रह सकता है, शॉर्टेज भी आ सकता है, जो भी रहेगा वो लास्ट पर्सन पर होगा। तो यहां पर इफेक्ट क्या हुआ? +9 निकला, तो वो 9 रुपीज भी आप इसको दे दीजिए। सो 29 + 9 = 38, तो आपका एवरेज बन गया 38। इस टाइप से भी ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान रखना। क्लियर? यस। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आइए, नंबर 9। सेम जैसा ऊपर किया था उसी टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ, एकदम सिंपल है, ध्यान से देखना। अगर वो पहला वाला समझा होगा, लास्ट वाला पॉइंट, ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा आपका। यहाँ पर दिया हुआ है 35 स्टूडेंट्स का एवरेज 16 ईयर। कितने स्टूडेंट्स हैं? 35 स्टूडेंट्स का एवरेज 16 ईयर्स, ऐसा क्वेश्चन बता रहा है आपको। द एवरेज एज ऑफ 21 स्टूडेंट्स इज 14 ईयर्स। वॉट इज द एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग 14 स्टूडेंट? बस दो ही ग्रुप बने हुए, एकदम सिंपल चाहिए। तो अभी जो मैंने आपको टास्क दिया था उसी के ऊपर आप काम कर लीजिए। मैंने आपको बोला कि 35 कैंडिडेट्स आपके पास में आएंगे, 35 कैंडिडेट्स आपके पास आएंगे, पर पर्सन 16 16 16 ईयर्स एवरेज दिया हुआ है, तो पर पर्सन 16 चॉकलेट्स आपको उनको देना है। चॉकलेट्स कितने हैं? 16। कितने स्टूडेंट्स को? 35 स्टूडेंट्स आपके पास आएंगे, पर पर्सन 16 चॉकलेट्स आपको उनको देना है। अब चॉकलेट है, जितने बचे फायदा ही है। तो अपन ने क्या किया, इनिशियली 21 स्टूडेंट को देना 16 था, लेकिन 14 ही दिया। देना 16 था लेकिन 14 दिया, चॉकलेट थे, बच गया तो अपने काम में आएंगे ना, ये सोचकर अपन ने दो दो बचा लिए, सही है ना। कितने बचाए हैं? 2। 21 कैंडिडेट पर पर्सन 2 = 42 चॉकलेट्स आपने बचा लिए, एक्स्ट्रा बच गया आपके पास। हिसाब खत्म नहीं हुआ, 35 कैंडिडेट्स आने वाले थे, जस्ट 21 ही आए। लेकिन ये 21 लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद आपके पास 42 चॉकलेट बच गए। नाउ ये 42 का क्या, अगर आपने इसको आपके पास रख लिया तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये अपन बचा नहीं सकते, इसको खत्म करना है, इसको जीरो करना है। एंड ये जो केस में डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूं, इसमें जितना भी पैसा, चॉकलेट, रुपीज अब वहां से लेते हो, वही डिस्ट्रीब्यूट करके उसको खत्म करना है। अगर वो खत्म हुआ तो अपन बच गए, बच गए इन द सेंस प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। और आपने उसमें से कुछ बचा लिया तो आप खत्म हो गए, खत्म हो गए मीन्स मार्क्स नहीं मिलेंगे, आंसर गलत हो जाएगा। तो अगर आपको आंसर चाहिए तो इसमें से पैसा, चॉकलेट, विकलेट अपने पास बचाना नहीं। कितने चॉकलेट बच गए? 42। आप एक भी नहीं बचाओगे, पूरे 42 चॉकलेट बचे लोगों में बांट दीजिए। तो रिमेनिंग कैंडिडेट्स कितने हैं? तो देख लीजिए,
जो एक्स्ट्रा का वैल्यू था 42, ये अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कितने लोगों में, तो 35 स्टूडेंट में से 21 आ गए, 14 बच गए, तो ये 42 रिमेनिंग 14 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो पर पर्सन कितना मिलेगा, 3 पर पर्सन, 3 यानी ये 21 लोगों में जो 42 चॉकलेट्स आपने यहाँ बचा लिए, ये 42 चॉकलेट्स वो बचे हुए 14 लोगों में आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो 42 चॉकलेट है, 14 लोग है, 42 डिवाइड बाय 14 पर पर्सन कितना मिलेगा, 3, सो एवरेज ऑफ रिमेनिंग इक्वल टू, एवरेज ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट्स इज इक्वल टू, तो रिमेनिंग स्टूडेंट्स को उनका जो शेयर था, उनको जो पर पर्सन मैंने 16 देने के लिए बोला था वो तो देना ही पड़ेगा, और यहाँ पर जो एडजस्टमेंट करके जो बच गया है, जो भी इफेक्ट है वेदर पॉजिटिव और निगेटिव वही जाना है, तो यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव में 3 रुपए एक्स्ट्रा बच गए, तो ये पॉजिटिव के 3 भी उन्हीं को देना है, तो उनका आंसर बन जाएगा आपका 19। सो जो क्वेश्चन ने पूछा था फाइंड द एवरेज ऑफ रिमेनिंग, एवरेज ऑफ रिमेनिंग, तो एवरेज बन जाएगा आपका 19। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर 10 देख लीजिए, एज वाला केस है, सिंपल ध्यान से ना, थ्री इयर्स अगो द एवरेज एज ऑफ द फैमिली ऑफ 5 मेंबर वाज 17। 3 साल पहले 5 लोगों का एवरेज कितना दिया हुआ था, 17। यानी मैं सब बोल सकता कि दोस्तों 3 साल पहले एक फैमिली में 5 लोग थे, एवरेज का मतलब सब लोग सेम, एवरेज का मतलब सब लोग सेम, तो 3 साल पहले हर एक की एज 17 17 17 17 थी, कब थे, 3 साल पहले, तो आज क्या हो जाएगी बच्चों, अगर 3 साल पहले कोई आदमी 17 साल का था तो आज कितना हो जाएगा, 3 बढ़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, 20। इसका मतलब प्रेजेंट सम ऑफ 5 मेंबर ऑफ दैट फैमिली इज इक्वल टू 20 × 5 इज इक्वल टू 100, सम एवरेज इनटू क्वांटिटी, अभी अभी ऊपर डिस्कस किया अपन ने क्वेश्चन में, 3 साल पहले बिफोर 3 इयर्स, 3 साल पहले का एवरेज 17 था, आज का एवरेज 3 से बढ़कर 20 हो जाएगा, अब एवरेज 20 है, 5 लोग होता 20 20 20 20 20, ऐसे 5 लोग, तो टोटल कर लो 100 आ जाएगा, ये होगा प्रेजेंट आज का कंडीशन, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, अ बेबी हैविंग बीन बॉर्न, अ बेबी हैविंग बीन बॉर्न, द एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज सेम टुडे, एवरेज इज सेम, यानी बेबी का बर्थ होने के बाद, फैमिली में एक न्यू मेंबर आने के बाद, एक बच्चा आने के बाद भी एवरेज सेम है, सेम यानी उतना ही है, अब सेम का मतलब तो जितना पहले था उतना ही आज है, तो पहले एवरेज क्या था, इनिशियल ओरिजिनल एवरेज क्या था, 17 20, कितना 17 था, तो आज भी फैमिली का एवरेज कितना है, 17 है, लेकिन ये जो 17 आज का एवरेज है ये कितने लोगों का है, तो आफ्टर दैट बेबी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बिकम्स 6, तो आप क्या करोगे, प्रेजेंट सम ऑफ 6 मेंबर ऑफ दैट फैमिली इज इक्वल टू 17 × 6, 17 × 6 = 102। सो देखो इनिशियली जो पहले के 5 लोग थे उनका टोटल 100 इयर्स, आफ्टर बेबी टोटल बन रहा 102, तो यहां पर जो डिफरेंस आया हुआ है वो कितने साल का है, 2 इयर्स का है, और ये जो 2 इयर्स का डिफरेंस आया हुआ है किसके वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ बेबी, क्योंकि ऊपर थे 5 मेंबर अब हो गए 6 मेंबर, सो जो न्यू मेंबर जो +1 ऐड किया, जो नया कैंडिडेट वहां पर आया वो कौन है, वो बेबी है, एंड क्वेश्चन क्या था आपका, प्रेजेंट एज ऑफ बेबी, एज ऑफ बेबी, तो एज ऑफ बेबी पूछा था, बेबी का एज पूछा था, सो आंसर बिकम्स 2 इयर्स, क्लियर, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, अब देखो बेबी आया था, अब इसमें से कम आदमी कम हो रहा है, एक फैमिली मेंबर कम होने वाला है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, द एवरेज एज ऑफ 6 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली इज 25 इयर्स, कितने मेंबर है, 6, एवरेज 25, तो सम बन जाएगा 25 × 6 = 150, 150 साल, यस क्लियर, ओके नेक्स्ट, इफ अ मेंबर ऑफ दैट फैमिली हुज एज इज 45 इयर्स एक्सपायर, 45 इयर्स इज एक्सपायर, डेथ हो गई, देखो दोस्तों जब आदमी आता है तो सम बढ़ता है, डेथ हो गई आदमी चला गया तो सम कम हो जाएगा, कितना
45 ईयर्स वाले की डेथ हो गई तो मेरे को 45 माइनस करना पड़ेगा, आदमी तो रहा ही नहीं ना, जीरो हो जाएगा। सो 150 की जगह 45 कम कर दो, 150 में से 45 माइनस कर दो, सम बन जाएगी 105। और जो 105 सम बनेगी इतने लोगों की, पांच, क्योंकि पहले मेंबर थे छह, एक की डेथ हो गई, अब लोग बचे पांच, लोग बचे पांच। क्वेश्चन ने पूछा क्या, व्हाट इज द एज ऑफ रिमेनिंग मेंबर ऑफ दैट फैमिली, एज ऑफ रिमेनिंग मेंबर ऑफ दैट फैमिली। तो अगर एज ऑफ रिमेनिंग मेंबर ऑफ दैट फैमिली अपने को पूछा है तो आपको क्या करना है, 105 अपॉन 5 इक्वल टू 21 ईयर्स। क्लियर? यस। नेक्स्ट, इफ द एवरेज कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल फॉर 5 मंथ्स फॉर कार इज 96 लीटर एंड दैट ऑफ नेक्स्ट 7 मंथ इज 120 लीटर, व्हाट इज द मंथली एवरेज। सिंपल, एकदम सिंपल है। फर्स्ट 5 मंथ का कंजम्पशन था 96 लीटर के हिसाब से, नेक्स्ट 7 मंथ का कंजम्पशन था 120 लीटर के हिसाब से। सो देखो पूरा कंजम्पशन 96 इंटू 5, हाफ एंड डबल कर लीजिए, 5 का डबल 10, 96 का हाफ होता 48, 48 इंटू 10, 48 इंटू 10 480 आ जाएगा, और 12 7 84, ये तो एकदम आसान सा था, तो 0 2 1 3। So, ये जो 1320 आया है कितने महीने का कंजम्पशन है? well, और क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट इज द मंथली एवरेज कंजम्पशन। सो मंथली एवरेज कंजम्पशन के लिए आप करोगे 1320 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू, 12 से ऊपर डिवाइड कर लीजिए, आपका आंसर बनेगा 110 पर मंथ। सो जो क्वेश्चन पूछा था, फाइंड द व्हाट इज द मंथली एवरेज कंजम्पशन, मंथली एवरेज कंजम्पशन, तो बन जाएगा 110 पर मंथ। क्लियर? यस। एंड लास्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ ट्रेन गोइंग फ्रॉम नागपुर टू अलाहाबाद इज 100 किलोमीटर पर आवर, व्हेन कमिंग बैक फ्रॉम अलाहाबाद टू नागपुर 150 किलोमीटर पर आवर। देखो नागपुर टू अलाहाबाद, अलाहाबाद टू नागपुर, सो डिस्टेंस इज सेम, नागपुर टू अलाहाबाद, अलाहाबाद टू नागपुर, डिस्टेंस इज सेम। इन केस ऑफ सेम डिस्टेंस अगर आपको एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है, तो मैंने आपको बोला था एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने के लिए 2xy अपॉन x+y करना है, ना कि 100 + 150, 250 का आधा 125 करना है। सो आप इसको अप्लाई कर लीजिए, 2 × 100 × 150 अपॉन 100 + 150 बनेगा 250। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करते समय इस जीरो कैंसल, 25 से 100 को डिवाइड कर लीजिए, यहाँ पर आएगा 4, तो 2 × 4 = 8, 8 × 15 ये बनेगा 120 किलोमीटर पर आवर। सो जो क्वेश्चन ने पूछा था फाइंड द एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी, सो आंसर क्या बनेगा आपका, 120 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? यस। आई होप ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको डिस्कस कराए ये आपको समझ में आए होंगे। इसी के आगे इसका जो पार्ट थ्री आएगा, तो ये जो सारे क्वेश्चंस दोस्तों हम लोगों ने डिस्कस किया था ये सारा एक बेसिक लेवल था, कुछ एग्जाम्स में क्वेश्चन का लेवल इससे भी ज्यादा बढ़ सकता है, इससे भी टफनेस थोड़ी सी बढ़ सकती है, तो उस टाइप के कुछ क्वेश्चंस को लेकर फिर से हम लोग नया जो पार्ट थ्री आएगा उसके अंदर और भी इससे आगे के जो कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल ज्यादा रहेगा, वो जो सारे क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको पार्ट थ्री में फिर से मिल जाएंगे। यस, ठीक है। अगर मान लो आज का डिस्कशन आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, और अगर आपको अच्छा लगता है, इफ अगर आपको पसंद आया हो, तो हमारे वीडियो को और चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यस, ठीक है, थैंक यू।